गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज की वीडियो देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज मैं आपको मेरे साथ लेके आई हूँ शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने के लिए ज़्यादातर मैं अकेले ही आना पसंद करती हूँ, पर मुझे लगता है कि काफ़ी समय हो गया है कि मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग करना, बट जो इन पर्सन जाके शॉपिंग करने का मज़ा है वो भी अपना ही है। सो आज मेरे काफ़ी सारे टास्क है जाने के लिए। अब मैं आई हूँ बर्लिंगटन सेंटर में। यहाँ पर बेसिकली मैं जाना चाहती हूँ हडसन बे में, क्योंकि हडसन बे में मुझे अच्छे लगते हैं कपड़े, लाइक ड्रेसेस, और एक ही छत के नीचे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी मिल जाती हैं आपको। एंड मैंने सोचा कि आपको भी मेरे साथ शॉपिंग के लिए लेके जाती हूँ मैं। मुझे लगता नहीं कि मैंने ऐसी कोई वीडियो पहले शूट की है जहाँ पे मैं आपको मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए लेके गई हूँ। शॉपिंग के लिए हम आए हैं, ज़रूरी नहीं है कि मुझे सब कुछ मिलेगा या चीज़ें मिलेंगी। और मैं क्या चाहती हूँ, मुझे स्प्रिंग और समर जैसी एसेसरीज चाहिए, कुछ फुटवेयर चाहिए या ड्रेस चाहिए, कुछ ऐसी अल्तू फालतू सामान चाहिए। सो हो सकता है ये सक्सेस हो सकता है ये फेल हो। जब मैं शॉपिंग करने के लिए आती हूँ ना, तो मैंने ये नहीं होता कि कुछ भी ले लो, मैं वही लूँगी जो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और जिसे मैं काफ़ी समय तक पहन सकती हूँ, क्योंकि पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ मैं। सो या सबसे पहले शुरू करते हैं हडसन बे से। कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शूट कर पाऊँ, क्योंकि कई बार मैं भूल जाती हूँ। सो दैट्स मी, अनदर मी। मास्क पहन लेते हैं क्योंकि एहतियात ज़रूरी है। ओके, सो हमें शीशा मिल गया बहुत ही अच्छा एंट्री पे। ये मेरा आउटफिट है। मैं अभी सोच रही थी ये कोट मैंने ज़ारा से लिया था, आई थिंक ये लार्ज है, और मैं अभी सोच रही थी कि मैं ज़्यादा ही बड़ा ले लिया, कितनी मोटी लग रही हूँ मैं, मीडियम से भी मेरा गुजारा हो सकता था, आर्म्स इतनी लंबी है। ओके, सो मॉल में काफ़ी शांति किस्म की है। मुझे लगता है कि हम हमारी वीडियो आराम से बना पाएंगे। लेट्स डू दैट। सो ये मेकअप से गुजरते हुए अपनी आँखों को बंद करेंगे, नहीं खरीदेंगे कुछ भी, हम जाएंगे सबसे पहले ज्वेलरी की तरफ। ओके, यहाँ पे ना गोल्ड जो ज्वेलरी है वो कई बार अच्छी ऑप्शन मिल जाती है, और इनके स्टाइल्स भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। अगर कोई अच्छा ऑफ होगा, लाइक बाय वन गेट वन, सो बाय वन गेट वन फ्री है, यू गाइस कैन सी। इतना ही चीज़ चाहिए होती है मुझे। सो काफ़ी सारी क्यूट क्यूट ऑप्शन हैं आपके पास। हेलो, आई एम गुड थैंक यू। सो ये कितने प्यारे लग रहे हैं। नहीं, सो अगर कुछ अच्छा लगेगा। ओ, लास्ट टाइम मैंने जो पहने थे वो ये वाले थे, मेरी लास्ट किसी ब्लॉग में। सो फार मुझे ये अच्छा लगे हैं, पर यार इनका सिस्टम ही डाउन है। ओके, सो इनके पास समर्स वाली काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद आई हैं। ये वाली टॉमी की ड्रेसेस है, एंड मेरे साइज़ भी है इनके पास। सो दिस इज़ द वन आई लाइक सो फार, बट एक प्रॉब्लम है, दीज टू क्यूट हेड बैंड आई गॉट, कितने प्यारे हैं ना, एंड ब्लैक ही मुझे पसंद आता है। सो ये मैं शायद लूँगी, ज्वेलरी में मुझे कुछ पसंद नहीं आया है। सो ड्रेसेस तो काफ़ी सारी हैं जो मैं ख़रीद सकती हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिस्टम डाउन चल रहा है। सो ये कोई भी कार्ड नहीं लेंगे पेमेंट। सो अगर मैं यहाँ से शॉपिंग करना चाहती हूँ तो मुझे कैश पे करना पड़ेगा। कैश मेरे पास इतना ज़्यादा है नहीं, तो मुझे लगता है कि मैं यही लूँगी, या कुछ देख लेती हूँ, अगर अच्छा मिलेगा तो देख लेंगे। एंड सो एक तो ये टॉमी की कितनी सारी ड्रेसेस है जो मुझे अच्छी लगी, वो फ्लावर्स वाली, और एक वो कितनी स्प्रिंग काइंड की है ये ड्रेस। ओके, ये कोई हडसन बे से आपको ब्रांड मिलता है मिंक पिंक, इनकी ड्रेसेस भी काफ़ी क्यूट होती हैं। सो ये वाली ड्रेस कितने की है मैं आपको बताती हूँ, 150। ओ माय गॉड यार, इन लोग कई को अच्छा जगह, आई वुड लाइक टू बाय। ये वाली वाइट ड्रेस देखो कितनी प्यारी लग रही है, इस ब्रांड का नाम है मून रिवर, एंड एक इन्हें दिया 100। सो इस ब्रांड का नाम है गैबी स्काई, ये भी अच्छी लग रही है। नहीं, एंड वैसे जैसे मुझे ड्रेसेस अच्छी लगती हैं, पूरी आर्म वाली एंड लंबी, काफ़ी सारी ऑप्शन हैं आपके पास यहाँ पे आज। लुक एट द क्यूट। सो ये थोड़ी चिल मिल सितारे वाली पार्टी वेयर ड्रेस है, तो मुझे लगता है कि इसकी फिटिंग एंड ये स्टाइल काफ़ी अच्छा लगेगा, एंड वो लंबी ड्रेस की छोटी ऑप्शन भी है। लुक एट दिस ड्रेस, कितनी प्यारी है। नहीं, कलर भी कितना यूनिक है। सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स के ड्रेसेस मिल जाएंगे। ओके, सो ये हमारा चक्कर था अ बिग फेल, बट आई गॉट दिस क्यूट हेड बैंड जिसको मैंने पहन भी लिया है। आई शो इट टू यू।
सो मेरे पास है $200-$300 मैंने देखा, पर मुझे कैश यूज़ करना अच्छा ही नहीं लगता। आप मुझे बताना कि आपको कैश यूज़ करना अच्छा लगता है अगर आप कनाडा US में रहते हैं। इंडिया में तो हम कैश ही यूज़ करते थे, कार्ड कभी यूज़ किया ही नहीं, पर इतने मैं कैश यूज़ करती हूँ। ओके लुक, लुक इज़ सो क्यूट। ओके जिस दिन आपके बाल गंदे लग रहे हो ना, कुछ ऐसा पहन लो, फिर क्यूट लगोगे आप। ओके सो शॉपिंग मॉल का चक्कर लगाए या ना लगाए? सो मॉल तो अच्छा है वैसे, ये एक दो दुकानें देख लेते हैं। ओके मुझे ना नींद भी आ रही है, जब भी मैं बाहर आती हूँ ना मुझे नींद आ जाती है आजकल। पर यार मुझे ना अकेले घूमना बहुत अच्छा लगता है, क्या आपको भी अकेले घूमना अच्छा लगता है? अगर लगता है मुझे बताना। और यहाँ पे व्लॉग बनाना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि लोग नहीं है ज़्यादा, कट लोग हैं, कट लोग ज़्यादा मज़ा नहीं। ओके आज मैं होम सेंस नहीं जाऊँगी क्योंकि घर तो शिफ्ट करना है हमें, हो रहा था मैं चीज़ें खरीद लूँ, कोई फ़ायदा तो है नहीं, अब नए घर में जाकर नई चीज़ें खरीदेंगे। और जल्दी मैं दिखाऊँगी आपको मेरा नया घर कैसा है, फिर बताना कि कैसे लगा आपको। यार मैं कॉफ़ी पीना चाहती हूँ पर यहाँ से नहीं बाहर से, कड़ी दुकान पर चाहिए। अरे दोस्तों तो फिर बिकेज वहाँ पे कार्ड नहीं ले रहे थे तो मैंने शॉपिंग नहीं करी, एंड और मैंने एक दो स्टोर विजिट करने की कोशिश की, मैंने मज़ा नहीं आया। अब मैं जाना चाहती हूँ मार्शल्स, इसमें विनर्स था पर वो बहुत ही टाइनी सा है, तो यहाँ पे एक मार्शल्स है वहाँ पे जाऊँगी मैं। एंड मैनू लगता कि आज हमारा सक्सेस कैसे होगा, जिस मेन स्टोर पर आए थे हम वो तो बंद है, जहाँ से मुझे मेजॉरिटी ऑफ मेरी चीज़ें बंद नहीं है, कार्ड ही नहीं ले रहे, वो कार्ड नहीं लेंगे तो कह रहे पेमेंट ही नहीं लेनी, मतलब सेल्स ही नहीं कर रहे वो। सो या बट सो फार आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परचेज, इट्स वेरी क्यूट। एंड अब नेक्स्ट स्टोर पे आपको मिलते हैं, चंगा भाई मे बी कॉफ़ी पीते हैं सबसे पहले, राइट? ओके सो हमारा अगला स्टॉप है मार्शल्स, इसी के साथ इंडिगो भी है, यहाँ पे स्टारबक्स है, एंड मैं कॉफ़ी पीना चाहती हूँ। सो पहले जाएँ या बाद में जाएँ? चलो पहले यहाँ पे चक्कर मारने के बाद ही जाओ। आई डोंट नो अगर हैरान होंगे या नहीं, मेरे शुगर साइज 10 है, एंड लुक एट दिस सो क्यूट राइट? या टू बिग फुट आई हैव, ओ आई एम अ बिग फुट। ओके सो वो तो बहुत ही अगली लग रही थी, मैंने आपको दिखाई नहीं, सो आई फाउंड दिस क्यूटी, ये वाली शेप मुझे बहुत अच्छी लगती है, एंड इसकी टाइनी सी हील भी है, और ये है ज़ारा से, एंड प्राइस बहुत अच्छा है 24। हाय फ्रॉम द फिटिंग रूम, मैं लेके आई हूँ मेरे साथ 7 ड्रेसेस, बहुत ही क्यूट सी हैं, अब पहन के पता चलेगा कि अच्छी लग रही है या नहीं। सो आप लोगों को फिट कर दें कहीं पे, आई शो इट टू यू गाइस इन अ लिटिल वाइल। ओके सो ये है पहली वाली जो है कैल्विन क्लाइन से, आई डोंट नो आपको कैसी लगी पर मुझे अच्छी नहीं लगी, आई डोंट नो। वैसे तो ब्लू कलर बहुत अच्छा है आपके लिए, ब्लू कलर इज द बेस्ट कलर, मुझे ब्लू अपने आप पे अच्छा लगता है। सो मैं मार्शल से बाहर आ चुकी हूँ, मैंने 7 डिफरेंट ड्रेसेस ट्राई की, आपको सारी दिखा दी मैंने, मैं चाहती थी कि मुझे कोई पसंद आए पर कोई पसंद नहीं आई, तो इसके लिए भी मैं खुश हूँ कि पैसे स्पेंड नहीं किए मैंने। पर जब मैंने वो लेडी को वापस किया जो फिटिंग रूम के बाहर खड़ी थी, कहने ओ माई गॉड कोई भी नहीं लेनी तुझे, मैं कि नो, मैं चाहती थी कि मुझे पसंद आए पर नहीं आई, तो मैं क्या करूँ। सो या रैंडम चीज़ें ली हैं जो मैं घर जाके दिखाऊंगी, पर अब मैं जा रही हूँ इंडिगो, किताबें नहीं लेनी है मुझे, मैं सिर्फ लूँगी कॉफ़ी, एंड यस उसके बाद 2 और डिफरेंट स्टोर्स में जाऊँगी मैं, पर लेट्स गेट कॉफ़ी फर्स्ट। यू डियर स्वीट डिलेक्टेबल यू हियर, यू गॉट मी टिंगलिंग लाइक वेयर ऑन अ फेरिस व्हील राइड, sweet delectable you who
एक बुरी खबर है दोस्तों, स्टारबक्स तो यहाँ से चौकी हो गया। कल मैं और हिम्मत हमारे घर के पास वाले इंडिगो में गए थे, जहाँ से हिम्मत ने कुछ किताबें खरीदी हैं और उसने वीडियो भी बनाई थी, जल्दी से देख लिया। तब तक मैं अपने लिए कोई किताब देख लेती हूँ। And today guys, I'm getting Dogman book. You must get them because I have a whole collection. How many books you got? I got 3 and today's sponsor is about Dogman. You must get Dogman books, they are really good. You know, if we get 2, we can get 3. Mm-hmm. So we can get one more. So this is today's sponsor. They even have some realistic one. This one's a realistic 3D, but only in the front. In the front is only. And the pages, let's see. Are you making a collection of these books? Yeah. Only you love reading these books? Yeah. Okay. I'm so excited to read these. Mama, when we go home, can you clean them all? Mm-hmm. Because I'm going to pick which one I'm going to read first. Can I go and see those, my old versions? Mm-hmm. Like those ones? Load with the nourishing love. So where's the baby one? There? Mm-hmm. Okay, it's gone. No, thank you. Guys, I bought my book now, so I'm so excited, guys. I bought my books. Okay. And thank I got, you. And guys, I got 3 bookmarks. Yeah, because 3 books equals 3 bookmarks. Makes the perfection of life so clear. जापानीज डिक्शनरी, आजकल मुझे और अहमद को जापानीज मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको भी जापानीज मूवीज अच्छी लगती हैं? बताना। वैसे तो मुझे अभी 2 और स्टोर्स में जाना है, पर मैं जाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि चाय नहीं मिली, एनर्जी नहीं आई। कॉफ़ी पीना चाहती थी आज मैं, बहुत सालों के बाद, पर अब क्या करेंगे, देखते हैं अगर कोई कैफ़े मिलता है तो पी लेंगे, अदरवाइज़ फिर। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं पीना चाहती थी कॉफ़ी स्टारबक्स से, पर वहाँ पे बंद हो गया था, तो अब मैंने लिया है आइस कॉफ़ी मैकडोनल्ड से, क्योंकि वही मेरे पास था। वैसे बहुत समय हो गया कि हमने बाहर से कॉफ़ी नहीं पी है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि क्यों, क्या फ़ायदा, पर बिकॉज़ अभी मुझे कहीं और जाना है, घर पे नहीं जाना है, तो फिर मैंने सोचा कि इट्स ओके, आई कैन बाय अ कॉफ़ी। घर पे कॉफ़ी बनाने के क्या फ़ायदे हैं, एक तो पैसे नहीं लगेंगे, दूसरा अपनी मर्जी से इंग्रेडिएंट्स डालो, चाहे हेलो, हाय मैनू, रोटी खा ली? क्यों? 3 मिनट हो गया इन्हें। ओके। Well, it's gonna take time. Sorry. Bye. Glasses, all this emotion. Try to tell her, but she probably didn't notice. She say she ain't got nobody. I said, baby girl, you're wrong. She say she ain't got no purpose. I say, what you on?
स्टॉप होने वाला है वॉलमार्ट, वहाँ से मुझे थोड़ी सी टॉयलेटरीज चाहिए एंड एक दो और चीज़ें पिक करूँगी। पनीर पिक करना है मुझे वहाँ से, वहाँ पे पनीर मिल जाता है क्योंकि बहुत दिन हो गए पति कह रहे पनीर खाना। पति को पनीर कभी अच्छा नहीं लगा, बट आज जो उन्होंने कहा कि आज नहीं काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि पनीर खाना पनीर खाना, तो मैं सोचा पनीर लेके जाऊँगी मैं। एंड ओ या एंड हो सके तो मुझे मिल जाए वॉलनट्स पूरे जो होते हैं ना अखरोट पूरे बंद शेल्स के साथ, वो हस्बैंड को अच्छा लगता है क्योंकि उसमें क्रंच काफ़ी लंबा समय तक रहता है। सो वो पिक करूँगी एंड देन आई एम गुड टू गो होम। एंड घर जाके दिखाती हूँ मैंने आपको क्या क्या लिया। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं मैंने, पर या फिर भी कुछ कुछ लिया है। आज हमारा प्लान था इटालियन खाने के लिए हमारे दोस्तों के साथ, बट वो जो दोस्त हैं उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया है क्योंकि उन्हें कहीं और जाना है। सो फार हम लोग घर पर ही रहने वाले हैं क्योंकि आज फ्राइडे है ना, फ्राइडे इज़ अ चिल डे। तो मैं घर पहुंच चुकी हूँ। घर आते ही मैंने ऑन की है मेरी कैटल क्योंकि चाय पीऊँगी मैं। एंड आपको जल्दी से मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखा देती हूँ। एक्चुअली मैंने अभी वीडियो शूट की पर वो बनी नहीं है, दोबारा करनी पड़ेगी। और ये लड़का कुछ कहना चाहता है। माय मम्मी गॉट एक्चुअल वर्मीज, लुक सो वियर्ड एंड टेस्टी। सो सबसे पहली चीज़ मैं लेके आई हूँ मेरे हस्बैंड के लिए शेक बनाने के लिए, ये शेकर मार्शल से उनको चाहिए था। एक पुराना था वो अगली दिख रहा था और मुझे लगता है मैंने सोख दिया। सो ये हिम्मत के लिए मैं लेके आई हूँ गमी वॉर्म्स। उसे मैं गमीज़ खाने नहीं देती हूँ, पर जो नॉर्मल सुपर स्टोर से मिलते हैं उनसे इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट है एंड मुझे लगता है कि शुगर भी कम है। वैसे वो खाता नहीं है पर अगर मैं खिलाना चाहूँ तो मैं ये वाली खरीदती हूँ मार्शल से। अगली चीज़ मैंने खरीदी है ये बहुत ही हैवी अमामदस्ता जो मेरे चेहरे जितना बड़ा है। आप अगर मुझे देखते हो तो आपको पता होगा कि पिछले वाले का ये कुंडा सा टूट गया था यहाँ से। एंड फिर मैं खरीदने के लिए मुझे बाजार में मिला नहीं, मैंने पिद्दी सा खरीद लिया, पर पिद्दी से मेरा काम नहीं चल रहा है क्योंकि ज़्यादा जिंजर करती हूँ या मैं काली मिर्च करती हूँ या इलायची, तो बड़ा चाहिए। और ये कितना बड़ा है। और ये मार्शल से ख़रीदा है मैंने और ये सिर्फ $12 में मिला मुझे। अगर आप किसी इंडियन स्टोर से या किसी चाइनीज स्टोर से ख़रीदते हैं तो आपको 30 से कम नहीं मिलेगा, इतना बड़ा अमामदस्ता। सो अगर आपको ये चाहिए तो ज़रूर से ख़रीद लें, मार्शल विनर्स या होम सेंस में ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाने के लिए बस इतना ही, आपको बाकी चीज़ें मैं रूम में जाके दिखाऊंगी। ऑलराइट दोस्तों, तो हम पहुँच चुके हैं अपस्टेयर। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये वाला हेडबैंड जो कि मैंने हडसन बे से ख़रीदा है। वहाँ पे एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना चाहती थी, काफ़ी सारी चीज़ें लेना चाहती थी। अभी अननेसेसरी नहीं जो मुझे पसंद आता, पर कार्ड नहीं चल रहे थे तो मैंने नहीं किया। सो ये लिया है मैंने, एक और दो मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि एक के साथ एक फ्री था। So this is a black one with these beautiful studs. ये थोड़ा ना fancy है, अगर आप पार्टी वार्टी में जाना चाहें या फिर फैंसी डिनर में तो ये पहन सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहीं होल्डर्स। सो ये कुछ इस तरह का लग रहा है, क्यूट। ओके, जब आपके बाल ऑयली हो जाए या कुछ भी आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे तो ऐसी नन्नी मन्नी सी एसेसरी आपकी एलिवेट कर देती है आपके लुक को। ये नन्नी मन्नी तो नहीं है, काफ़ी बिग है। मुझे पता नहीं था ये मुझे अच्छी लगेगी, पर मुझे ये अपने आप अच्छी लगती है। वैसे बहुत ज़्यादा कम चीज़ें होती हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, मुझ पे लोगों पे मुझे अच्छी लगती है, पर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ और नहीं नहीं नहीं, पर ये मुझे ठीक लग रही है। अगली चीज़ मैंने ली है स्टीव मैडन के शूज़। लुक एट दीज, कितने प्यारे हैं। नहीं, और 10 नंबर लिया है मुझे मैंने, पर मुझे लगता है कि अगर मैं 11 लेती तब भी अच्छा होता। अगर आप ये सोचेंगे कि ओ बड़ा 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 पैर है, पर यहाँ मेरा पैर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एंड यस, सो ये कलर आपको पता है कि मुझे कितना पसंद है, ये मेरे ब्रांड का भी कलर है। सो ये मैंने लिए हैं एंड मीमी को बहुत पसंद आए ये। यू लाइक दिस मीमी? एंड इसकी अच्छी हील है जो कंफर्टेबल रहेगी एंड थोड़ा सा हील भी है, हील वाला मज़ा भी आ जाएगा एंड नहीं भी है। सो नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो भी उसी के साथ सिमिलर है, पर ये गोल्ड एंड नूड है एंड ये फ्लैट है एंड यहाँ से ये ऐसे हैं। क्योंकि जब आप बीच में जाते हैं या फिर पार्क में या कई ड्रेसेस के साथ को फ्लैट अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने उसके लिए मैंने ये खरीदे हैं। और सो अगले मैंने ये ब्लॉक हील जैसे ही सैंडल्स लिए हैं वाइट, एंड आई थिंक ये नाइन वेस्ट ब्रांड से हैं
एंड वाइट मेरे पास कुछ भी नहीं है एंड मेरा बहुत मन करता है सम डेज वाइट पहनने के लिए. सो ये उस दिन के लिए काम आएंगे. एंड हील कुछ इस तरह की है और ये जो ब्लॉक एंड चंकी हील होती है ना काफ़ी कंफर्टेबल है. सो इसलिए मैंने ये खरीदे हैं. एंड ओके सो अदर वन जो मैंने आपको दिखाए थे ज़ारा के वो क्यूट से इन काफ़ी ज़्यादा पॉइंटी हैं ये, पर मुझे पॉइंटी शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं. एंड ये आई थिंक सेल पे थे, ये एक्चुअली क्लियरेंस में थे 25 के. बट जब मैं ये पे कर रही थी तो मैं ऐसे इसको हाथ लगा रही थी तो यहाँ से थोड़ा सा रंग अजीब सा लग रहा है, इतना ज़्यादा नोटिस नहीं होगा. तो उससे लगा कि ओ एक्चुअली यहाँ पे कुछ है और लेट मी चेक कि मैं तुम्हारे लिए प्राइस थोड़ा बेटर कर देती हूँ. तो उसने $5 और कम कर दिए. सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील मिली है मुझे. ये पहले क्लियरेंस पे थे तो मुझे मिले हैं ये $20 में. सो एक शूज़ मैं लेके आई हूँ हिम्मत के लिए, ये है अंडर आर्मर ब्रांड के. ये सॉकर शूज़ है, हिम्मत की क्लासेस शुरू होने वाली है कुछ दिनों में तो उसके पास पहले भी थे पर वो छोटे हो गए, इसके पैर ही इतनी जल्दी बड़े होते हैं. और ये अदर चीज़ मुझे मिली है ये बहुत ही प्यारी सी लिनन की शर्ट जो कि मार्शल से ही है. मेरे पास पिंक कलर का कुछ भी नहीं है एंड ये मुझे लगता है कि कलर इस बार काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है. एंड मैं समर में कुछ लुक क्रिएट करना चाहती हूँ पिंक ब्लू एंड वाइट शूज़ के साथ, तो मुझे लगा कि ये परफेक्ट होगा. वैसे मुझे लिनन फैब्रिक बहुत अच्छा लगता है एंड ये अच्छी है. पिंक वैसे मुझे पसंद नहीं है पर आई थिंक ये मुझ पर ठीक लगेगा. एक और बहुत ही क्यूट सी चीज़ खरीदी है मैंने, वह डिफरेंट भी है क्योंकि बहुत कम खरीदती हूँ मैं, वो है ये पिद्दी सा बैग. आजकल पिद्दी से बैग बहुत अच्छे लग रहे हैं. एंड ये ग्रे कलर का है, मेरे पास कोई भी बैग ग्रे कलर का नहीं है तो ये मैंने मार्शल से खरीदा है सम डेज के लिए. जब आप छोटा सा कुछ पिक करना चाहते हैं, कैरी करना चाहते हैं तो इसे आप ऐसे भी पहन सकते हैं. ओके आजकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पैंट्स पहनना इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि जीन हम हमेशा पहनते हैं. एंड अगर आप जीन को चेंज करके कोई भी ट्राउज़र पहन लो, कोई भी डिफरेंट किस्म की पैंट पहन लो तो आपकी जो लुक है काफ़ी ज़्यादा एलिवेट हो जाती है. सो मैं मेरे लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही प्यारी सी एक कॉट्राय की टैन कलर की पैंट मार्शल से, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि डिफरेंट पैंट्स पहनने में. एक तो मुझे लगता है कि मुझे कंफर्टेबल भी ज़्यादा लगती हैं ये पैंट्स जीन के मुकाबले, और ऐसे लगता है कि आपने अपने कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाला है तैयार होने में. सो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जीन को रिप्लेस कर दे किसी और पैंट्स के साथ. ऐसे लगेगा कि आप पता नहीं कितना सोच समझ के तैयार होके आए हैं, क्योंकि जीन तो हर एक ने पहनी होती है पर पैंट्स कुछ कुछ लोग पहनते. सो यस दोस्तों आज की हॉल के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको मेरे साथ शॉपिंग करने में मज़ा आया होगा. हम करना तो कुछ और चाहते थे पर कर हमने कुछ और ही दिया. एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कपड़े मैं स्टाइल कैसे करती हूँ तो प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर या टिकटॉक पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे. सो मैं आपको मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. वी गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. All you have to do is think about it and take action. That's it. Easy peasy lemon squeezy. Oh my God, this guy is crazy. Bye. Bye-bye.